अब हम आएंगे इस पे, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर पे। बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर ऑल ऑफ यू। पहली बात, ये न्यू एक्ट के अंदर न्यू प्रोविजन है। पुराने एक्ट के अंदर आपको पता है रेजिग्नेशन से रिलेटेड प्रोविजन लॉ मेकर डालना ही भूल गया था। तो रेजिग्नेशन, एक डायरेक्टर कैसे रिजाइन करेगा? देखो मैंने अभी तक आपको ये नहीं पढ़ाया डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होएगा, वो जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, राइट। लेकिन मैंने कहा ना अपने तरीके से चलाऊंगा मैं, तो एक डायरेक्टर रिजाइन कैसे होएगा, सुनना बड़े ध्यान से बच्चे। पुराने कंपनी लॉ के अंदर कोई प्रोविजन था नहीं, ठीक है। पुराने कंपनी लॉ के अंदर एक कोई कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए ना झगड़े होते थे। डायरेक्टर कहता था मैं रिजाइन कर रहा हूं, बोर्ड कहते थे हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे रेजिग्नेशन, वो कहता था मैंने छोड़ दी, कंपनी कहती है नहीं हम तो मानेंगे तू चल रहा है। तो उसके लिए केसेस होते थे, जजमेंट्स होती थी। तो नए लॉ के अंदर क्या दे दिया इन्होंने, प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस दे दी, प्रोविजंस बता दिए, ठीक है जी। अगर आपने रिजाइन करना है तो आप कैसे रिजाइन कर सकते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन आप सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कोई भी डायरेक्टर अगर रिजाइन करना चाहे तो वो रिजाइन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता पता है क्या है, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने कंपनी में रिजाइन कर दिया, आप बताओ द मोमेंट मैंने रिजाइन कर दिया उसके बाद कंपनी से मेरा रिलेशन खत्म, हाँ या ना? रेजिग्नेशन के बाद कंपनी कोई गलती या फ्रॉड करती है तो मैं उसके लिए लाइबल नहीं होना चाहिए, समझ आ रही है बात? लेकिन आपको पता होता क्या, कंपनी इतनी सियानी होती है कि मैंने रिजाइन कर दिया, कंपनी आरओसी को बताती नहीं है कि अमित वोरा ने रिजाइन कर दिया, क्लियर है। और कल को कुछ गलत होता है तो कंपनी अमित वोरा को भी लपेटे में लेती है कि माय लॉर्ड ये भी डायरेक्टर है, मैं तो कहता हूं माय लॉर्ड मैंने रिजाइन कर दिया था, कंपनी कहती है कब किया हमको तो नहीं पता, मुकर गई कंपनी और कंपनी ने आरओसी को भी नहीं बताया। तो अब नए लॉ में पता क्या दिया हुआ है कि कंपनी को जब मैं रिजाइन करूंगा, जब डायरेक्टर कंपनी को रिजाइन करेगा तो कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगी, डायरेक्टर भी आरओसी को इंटीमेट करेगा ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए, हाँ या ना? मतलब मैंने रिजाइन किया और मैंने आरओसी को बता दिया, कंपनी ने अभी तक नहीं बताया, तो इसका मतलब वायलेशन किसके बाट पे है, कंपनी के बाट पे है, यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं रिजाइन करूंगा तो मैं जब कंपनी को रिजाइन करूंगा तो मेरी ड्यूटी है साइमल्टेनियसली मैं रेजिग्नेशन किसको दे दूं, आरओसी को दे दूं। मतलब ये कि मैं कंपनी को रिजाइन करूंगा, कंपनी भी आरओसी को बताएगी और मैं भी डायरेक्टली आरओसी को बताऊंगा, इसमें कोई डाउट? क्लियर है बच्चे, समझ आ रही है कहानी? अब देखो लॉ क्या कहता, सुनिए। सबसे पहले लॉ कह रहा है जी रिटर्न नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, ये बात समझ आ रही है कि ओरली कोई डायरेक्टर रिजाइन नहीं कर सकता, ठीक है जी, ओरली कोई डायरेक्टर रिजाइन नहीं कर सकता। पहले हेडिंग समझो, कह रहा है सेक्शन 168 है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, 168 रेजिग्नेशन, 169 रिमूवल, याद है आपको? और कह रहा है रेड विद रूल 15 एंड 16। अब ये बताओ ये रूल 15 16 किसका होगा, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014, मतलब ये चैप्टर नंबर 11 का है, 12 का है या 13 का है, 11 का है, याद आ रहा है आपको? चैप्टर 11 है ना पहला, जिसमें 149 से 172 तक है सेक्शंस, पढ़े थे हमने, याद आ रहा है? तो इसका मतलब पहली बात कहता है जी रिटर्न नोटिस हम देंगे, ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 168 रेड विद रूल 15 एंड 16। तो पहली बात हम रिटर्न देंगे रेजिग्नेशन, क्लियर है, ठीक है जी, ओरल रेजिग्नेशन नहीं होगा। अब सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है जब आपने एज अ डायरेक्टर रिजाइन किया तो आप आरओसी को 30 डेज के अंदर अंदर डीआईआर 11 फाइल कर दोगे, विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन डायरेक्टर खुद आरओसी को क्या फाइल कर देगा, डीआईआर 11 फाइल कर देगा, क्लियर है ये बात, पक्का डन। और कह रहा है जी कंपनी क्या करेगी, जब डायरेक्टर ने कंपनी को रिजाइन किया होगा तो कंपनी भी 30 डेज में आरओसी को डीआईआर 12 फाइल कर देगी, मतलब कंपनी भी फाइल करेगी डायरेक्टर भी करेगा, डायरेक्टर क्या करेगा DIR 11, कंपनी क्या करेगी DIR 12, साथ में कंपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी डाल देगी और अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगी, इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाना चाहूं तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखिएगा, डायरेक्टर ने कंपनी को बोला आई रिजाइन, ठीक है जी, और इसने कोई रिटर्न रेजिग्नेशन दिया होगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो जब इसने रिटर्न रेजिग्नेशन दिया, मान लो इसने रिटर्न रेजिग्नेशन दिया 1 मई को, 1 मई को, ठीक है जी, तो कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है कि कंपनी अब आरओसी को क्या फाइल कर दे, डीआईआर 12, कितने दिनों में फाइल करेगी, विद इन 30 डेज, 1 मई से 30 डेज, क्लियर है जी।
और साथ में एक्स डायरेक्टर की भी क्या ड्यूटी बनती है कि ये DIR 11 फाइल कर दे विद इन 30 डेज। ओके जी, क्लियर है। साथ में कंपनी इमीडिएटली क्या करेगी, इस चीज को अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगी, मतलब पब्लिक नोटिस हो गया ना एक तरीके से कि ये बंदा आज के बाद हमारा डायरेक्टर नहीं है, तो इसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन इस इफेक्ट में मत करना, इस गलत फहमी में मत करना कि हमारी कंपनी के साथ कर रहे हो, आज के बाद ये हमारा डायरेक्टर नहीं है। क्लियर है। अब देखो मई में हुआ ये, लेकिन आपको नहीं लगता कि मई के बाद जून जुलाई अगस्त में ईयर जब खत्म हुआ मार्च में तो AGM होगी, AGM से पहले एनुअल रिपोर्ट जाती है मेंबर्स के घर पे, हाँ या ना? और उस एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट भी होती है, जब नोटिस ऑफ AGM जाता है उसके साथ क्या होती है, बोर्ड रिपोर्ट भी होती है। तो कहता उस बोर्ड रिपोर्ट में भी हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कंपनी के इस डायरेक्टर ने रिजाइन किया है। क्लियर है ये बात। तो कंपनी की तीन ऑब्लिगेशन हो गई, पहली ऑब्लिगेशन क्या हो गई, विद इन 30 डेज ROC को बताए, दूसरी ऑब्लिगेशन इमीडिएटली अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे, तीसरी जो भी आने वाली AGM है उसके साथ नोटिस के साथ बोर्ड रिपोर्ट जाएगी, उस बोर्ड रिपोर्ट में भी इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, पक्का? चले आगे, डन, बना लिया डायग्राम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए DIR 12 ROC को दिया, साथ में बोर्ड रिपोर्ट में दिया, साथ में वेबसाइट में इंफॉर्मेशन, बोर्ड रिपोर्ट तो तभी जाएगी जब AGM से पहले जाएगी, राइट। चले आगे, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जी ये बताइए कि अगर, यहां तक बात समझ आ गई, अब सुनिए, मैंने रिजाइन किया था 1 मई को, मैंने कब रिजाइन किया था, 1 मई को, क्या 1 मई के बाद की गलतियों के लिए मैं लाइबल हूं, नहीं हूं। लेकिन अगर बाद में कोई गलती निकली 1 मई से पहले वाली, मान लो जून में कोई गलती निकली फरवरी वाली, क्या मैं लाइबल हूंगा, बिल्कुल हूंगा, हाँ या ना? मतलब जिस दिन मैंने रिजाइन किया मैं उसके बाद की गलतियों के लिए लाइबल नहीं हूं, लेकिन अगर उसके बाद कोई पहले वाली गलती डिस्कवर हो गई तो उसके लिए मैं लाइबल माना जाऊंगा, डन। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, लाइबल फॉर ऑफेंसेस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, हाँ या ना? क्लियर है ये बात कि अपने टेन्योर के टाइम पे जो भी गलतियां आई हैं उसके लिए मैं लाइबल माना जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिजाइन कर दें? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिजाइन कर दें? क्लियर है जी, अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिजाइन कर देते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर कहता है भाई फिर क्या होगा उस केस में, कहता है नए डायरेक्टर्स कैसे आएंगे, कहता है फिर नए डायरेक्टर्स कंपनी के प्रमोटर्स अपॉइंट करेंगे, कि जब भी कंपनी के सारे डायरेक्टर रिजाइन कर देंगे तो कंपनी की तो इन शॉर्ट लग गई बुरी वाली। अब क्या होगा, कहता अब नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, कैसे होंगे, कहता है जी मान लो 1 मई को सारे डायरेक्टर्स छोड़ गए तो अब नए डायरेक्टर्स प्रमोटर्स अपॉइंट करेंगे, और अगर प्रमोटर्स भी नहीं कर पा रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो कब तक चलेंगे, आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग तक। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद AGM में शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, फिर वो अपने आप नए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स रिजाइन कर जाते हैं तो न्यू डायरेक्टर शैल ईदर बी अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ वेदर दे आर अपॉइंटेड बाय CG और प्रमोटर्स बट दे शैल कंटिन्यू टिल द एंसुइंग AGM, आने वाली AGM तक वो कंटिन्यू करेंगे। फिर AGM में तो शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, वो अपने आप नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे। इसमें कोई डाउट, जवाब दो, नो डाउट। चले आगे, अब देखिए कहता जी इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कौन सी मानी जाएगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है जी, कब से रेजिग्नेशन इफेक्टिव माना जाएगा। या डायरेक्टर हो, मजाक थोड़ी है कोई, डायरेक्टर हो ऐसा थोड़ी कि आज 1 तारीख को आपने नोटिस दे दिया कि हाँ जी मैं नहीं आऊंगा तो इसका मतलब मैं नहीं आऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है, आपकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनना इधर ध्यान से क्या कह रहे हैं, मानो इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चे, मान लो डायरेक्टर ने नोटिस लिखा, ठीक है, नोटिस कब लिखा, 1 मई को, ठीक है, ओके, क्लियर है, और नोटिस में लिखा कि मैं 10 मई विल बी माय लास्ट वर्किंग डे, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट, डायरेक्टर ने नोटिस लिखा 1 तारीख को तो डेट ऑफ नोटिस क्या हो गई 1 तारीख, और उसने लिख दिया कि मैं 10 मई के बाद नहीं आऊंगा, ये बात सबको क्लियर है। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 1 मई को बोला
और 10 मई के बाद उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, ठीक है जी। अब कहता है जी इस केस में इसने नोटिस डिस्पैच कर दिया कंपनी को, क्लियर है। जब इसने नोटिस डिस्पैच किया तो कहता है जी मान लो कंपनी को नोटिस मिला 7 मई को, ठीक है जी, 7 मई को कंपनी को रिसीव हो गया, मतलब इसने 1 को डिस्पैच कर दिया और कंपनी ने रिसीव किया 7 को। इसमें कोई डाउट, क्लियर है ये बात सबको। उसने 1 तारीख को नोटिस लिखा और लिखा कि मैं 10 के बाद नहीं आऊंगा, 10 मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा, और उसने नोटिस को पोस्ट कर दिया। कंपनी को कब मिला नोटिस? 7 तारीख को। अब कहते हैं जी ये इफेक्टिव कब से माना जाएगा, वो 1 से नहीं आए, 10 से नहीं आए, 7 से नहीं आए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कौन सी होगी, डेट ऑन नोटिस स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर, कौन सी स्पेसिफाई करी 10 मई, या डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ नोटिस बाय कंपनी, विच एवर इज लेटर। तो 7 तारीख लेटर है या 10 तारीख लेटर है? 10 तारीख, राइट। तो 10 तारीख तक उसको आना पड़ेगा, लेटर है ना, अर्लियर थोड़ी है, ठीक है यामिनी जी। लेकिन अगर मान लो 10 तारीख उसने लिखी थी, 1 तारीख को उसने नोटिस पोस्ट कर दिया, कंपनी को मिला ही 15 तारीख को, तो 15 दिन हो गया, मैं तो 10 के बाद नहीं आ रहा, भाई हमें तो पता ही नहीं, हमने तो रिसीव ही नहीं किया कुछ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप नोटिस दे रहे हो तो एक नोटिस की डेट होगी और एक डेट वो होगी जो आपने अपने हिसाब से मेंशन करी होगी, और एक डेट वो होगी जिस दिन नोटिस पहुंच जाएगा। तो जिस दिन कंपनी ने नोटिस रिसीव किया है या जो लास्ट डेट ऑफ वर्किंग आपने लिखी है, विच एवर इज लेटर, तब तक आपको आना पड़ेगा, उसके बाद वो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। एनी डाउट इन दिस? जवाब दे दो जी, नो डाउट। चले आगे, पक्का हो गया काम, डन, ठीक है जी। तो ये सेक्शन पूरा का पूरा याद हुआ। रेजिग्नेशन कैसे देना है? सर रेजिग्नेशन देना है रिटर्न फॉर्म में, हम कंपनी को बताएंगे सिंपल हैंड रिटर्न। हैंड रिटर्न इसलिए क्योंकि भाई मेरे बिहाफ पे कोई और मेल कर दे, मजाक ना कर दे, ठीक है जी, इसलिए रिटर्न है, यहाँ हैंड रिटर्न है, प्रॉपर याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी जो कंपनी है वो आरओसी को बताएगी DIR 12 के अंदर, कंपनी अपनी वेबसाइट पे डालेगी और उस साल जो AGM होने वाली है उसकी बोर्ड रिपोर्ट में भी डालेगी। डायरेक्टर भी आरओसी को बताएगा किसमें, DIR 11 के अंदर। कहता है जी अगर सारे के सारे डायरेक्टर रिजाइन कर गए तो नए डायरेक्टर प्रमोटर्स अपॉइंट करेंगे, वो भी नहीं कर पाते तो CG करेगी, वो कब तक चलेंगे बेटा, आने वाली AGM तक, ठीक है जी। और कहता है डायरेक्टर उस डेट के रेजिग्नेशन के बाद के लिए लाइबल नहीं है, लेकिन बाद में कोई पुराना प्रॉब्लम डिस्कवर हो गई, कोई पुराना फ्रॉड या कोई लाइबिलिटी डिस्कवर होगी तो वो लाइबल माना जाएगा। इफेक्टिव कब से माना जाएगा रेजिग्नेशन? डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस और डेट मेंशन इन द नोटिस, व्हिचएवर इज लेटर, ओके।